तभी एक मंकी का ग्रुप उस पर बहुत सारे कीलों से हमला कर देता है। वो भागते भागते फिर से वही तालाब के किनारे ही पहुंचता है। वो वहां से एक क्लॉवर फूल को तोड़ लेता है और उसी के ऊपर उस छोटे से कन को टिकाता है। वो उसे लेकर तालाब से बाहर आता है और उसे देखकर उसे समझने की कोशिश कर रहा होता है कि वाकई में उस पर कोई है या नहीं। तभी वहां वो कंगारू आती है। हॉटन उसे बताता है कि इस छोटे से कन पे रहने वाले एक आदमी ने उससे मदद मांगी है। कंगारू हंसने लगती है कि ये क्या बातें कर रहा है। वो कहती है कि इतने छोटे लोग होते भी नहीं है। हॉटन कहता है क्या पता, शायद इस छोटी सी चीज में एक पूरी दुनिया बसी हो। जैसे ये हमारे लिए बहुत छोटे हैं, क्या पता हमारा भी प्लेनेट किसी के लिए सिर्फ एक कण के ही बराबर हो। कंगारू से कहती है कि तुम ये सब कहानी अपने पास ही रखो और जंगल के बाकी सभी बच्चों को भी इन फालतू चीजों से दूर ही रखो। वो कहती है कि जंगल के कुछ नियम और कायदे हैं जिसे हॉटन को मानना पड़ेगा, नहीं तो उसे उसके खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। वो हॉटन को वार्निंग देकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद हॉटन उस छोटी सी चीज को गौर से देखता है